तो गाइस यार फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ठीक है। तो भाई निकल चुके हम दोनों ही, काफ़ी लंबा सफ़र है तो वो लोग ट्रेन से आएंगे, पेट्रोल डलाने जा रहे हैं क्योंकि हाईवे तो साइड पड़ रहा है ना, तो मैं पेट्रोल डलवा के बात करता हूँ आप लोगों से। तो गाइस यार यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है 102 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ से हमने टैंकी तो फुल करवा लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से 14 घंटे दिखा रहा है, तो वही हमको 17-18 घंटे लग जाने हैं दिल्ली पहुँचने में। तो गाइस यार एक और ट्रेन आ गया अपने सामने, देख सकते हो आप, फाइनली इस टनल से भी निकल चुके हैं हम लोग। वो भाई आंखों में ऐसी रोशनी पड़ी है भारत ही, क्या बताऊँ तुम लोग को। तो यार बादल लगे हुए भाई आसमान में, देख सकते हो आप लोग, पीछे जहाँ से आए वहाँ तो इतनी गंदी धूप थी यार। तो गाइस यार हम लोग उधमपुर पहुँच चुके हैं, ये देखो आगे वेलकम टू उधमपुर। यहाँ पर कुछ खाते हैं पीते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं यार, मतलब आधे घंटे का तो हॉल्ट लेते हैं यहाँ से, क्योंकि बाइक भी मतलब 100 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है हमारी। तो गाइस यार भाई हम वहाँ से निकल चुके हैं जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में हमने यार दूध पिया और केले खाए, एंड आफ्टर हम लोग निकल गए। तो गाइस यार भाई जम्मू हमारे राइट साइड में ये वाली रोड जाती है जम्मू की तरफ को, जम्मू सिटी की तरफ को, बट हम जम्मू नहीं, नंबर है ना कोई भी सिम का, तो भाई अगर कोई बंदा जम्मू की साइड निकल रहा है तो उसका ना लखनपुर आकर ही नेटवर्क आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग ठीक है, क्योंकि जस्ट हम वो शॉप पर पहुँचे और वहाँ पर हमारा नेटवर्क आ गया, मतलब टोल क्रॉस करते ही एक शॉप पड़ी और उसमें नेटवर्क आ गया। तो भाई या तो आप लोग एयरटेल या तो जियो पोस्टपेड नंबर लेके जाओ जम्मू कश्मीर घूमना है तो बढ़िया है, नहीं तो वहाँ पर आप लोग के नेटवर्क भी नहीं आएंगे। हम लोग भी मतलब बिना नेटवर्क के इतने दिन रहे हैं भाई। हमारे साथ ऐसा सीन था कि ना एक बंदे के पास एयरटेल पोस्टपेड नंबर था तो उससे हमारा काम चल जाता था, कहीं कहीं पर आ जाते थे उसके नेटवर्क, बट अगर आप लोग जाओ ना तो यार आप लोग ग्रुप में जाओगे तो आप लोग भी ऐसे ही करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बाकी बंदों के पास भी पोस्टपेड नंबर हो वो ज़्यादा बेटर है ना। तो गाइस यार जो अभी मेरे साथ का भाई भी चढ़ गया था यार, ये पता नहीं कहाँ चले गया, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, मैं इतना भी दूर नहीं हूँ भाई, 100-200 मीटर रहूँगा, फिर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और भाई नंबर मिला रहा हूँ, नंबर दोनों के नहीं मिल रहे इसके। तो भाई लड़की चला रही है CBR 250R शायद, आई थिंक सही है यार भाई, नाइस। तो गाइस यार मेन हाईवे NH44 पे आ चुके हैं हम, तो अभी पीछे तो दिल्ली वैसे 212 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन भाई इसमें मेरा जो घर है की लोकेशन है वो 255 किलोमीटर दिखा रहा है, 70-80 की स्पीड से निकलते हैं ना। एक चीज़ और शेयर करने की, पता है पता नहीं कितनी सारी बटरफ्लाई यार मेरे हेलमेट में आके लगी और मर गई यार, बताओ पता नहीं क्या भाई, बटरफ्लाई ऊपर आ रही है, ऊपर जा रही सीधा यहाँ पर आकर टकरा रही है, पता नहीं क्या ही सीन है। हेलमेट का शीशा पूरा गंदा हो गया, सुबह कर साफ नहीं कर पाया यार, क्योंकि यार एक तो लेट उठे, 5 बजे निकलने वाले थे, कहाँ 8 बजे निकले हैं। भाई का पेपर था यार 2 बजे से रजौरी गार्डन में, अब पता नहीं वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा। वेदर तो यार बारिश का लग रहा है, अब देखो बारिश ना ही हो तो बेहतर है भाई। यार पता है क्या, मतलब पहाड़ों से यहाँ पर आके ना मतलब बहुत अजीब सा ही लग रहा है, अलग ही लग रहा है भाई, पहाड़ों में कहाँ भाई स्वेटर पहन के ठंड में घूमना और यहाँ पर भाई गर्मी एकदम से। कल जब होटल में मतलब हम लोग रूम लेने गए ना, तो भाई मैंने तो बोल दिया भाई नॉन एसी है, बट भाई जब मैंने थोड़ी देर वेट किया उसके बाद पता लगा कि ऐसी यार गर्मी हो रही है, तो एसी चला के सोना पड़ा रात को यार, जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई मेरी।
अभी आगे जाके कहीं पर पेट्रोल भी फिल कराना पड़ेगा। पेट्रोल भी इसमें कितना 5 डंडी हैं, टोटल 8 होती है ना। करनाल से 100 दिखा रहा है, दिल्ली 200 समथिंग किलोमीटर बच रहा है अभी भी। इसमें तो मेरे घर की लोकेशन डाल रखी तो 251 दिखा रहा है, वैसे 200 के अराउंड दिल्ली है यहाँ से।